नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आज तारीख हो गई है 28 जून। चलिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें जानते हैं। और राजस्थान में 1 जुलाई से कहीं बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, महिलाओं को भी मोबाइल फोन जल्द मिलने वाले हैं। एक एक करके इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चुनावी मोड में है गहलोत सरकार, अब अगले 7 दिन तक करने जा रही है ये बड़े काम। प्रदेश में आगामी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई घोषणाओं पर पूरा फोकस करने के लिए हैं। जानकारी के अनुसार आज से शुरू हो रही इन बैठकों में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी बजट के दौरान की गई घोषणा की प्रगति की चर्चा करेंगे और बजट के बारे में चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में महंगाई राहत कैंप के जरिए 10 विभिन्न योजनाओं में आमजन को राहत देने के लिए की गई घोषणाएं, इसमें मुख्य रूप से 100 यूनिट बिजली की माफी, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मेडिक्लेम 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का रिस्क कवर, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पशुधन बीमा सहित प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से कहीं नए बोर्ड बनाने व अन्य राहत की घोषणा पर फोकस किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में 25 जुलाई से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन। राजस्थान में 25 जुलाई से महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिनमें 3 साल का फ्री इंटरनेट मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा उदयपुर में नवगठित जिले सिलमवर में की है। उन्होंने कहा है कि पहले पेज में 28 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और धीरे धीरे तमाम परिवारों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। किसानों को मिलेंगे सब्जियों के मुफ्त बीज। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 20 लाख किसानों को सब्जी उगाने के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्यान विभाग की ओर से मिलने वाला यह बीज जिले में पैदा होने वाली सब्जियों के आधार पर मिलेगा। यह जायद, खरीफ और रबी सीजन के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए जिलावार लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। एक पात्र किसान परिवार को यह सब्जी की किट उपलब्ध कराया जाएगा। किट वितरण का कार्यक्रम आपके ग्राम पंचायत में सरपंच, प्रशासक और कृषि प्रशासक की कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग में ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मंगलवार दोपहर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान वो घायल हो गई हैं। उन्हें बाएं कंधे और कमर पर चोट लगी है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर बड़ी बैठक हुई है। राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, लेकिन चुनावी युद्ध में उतरने के लिए कांग्रेस का संगठन अभी तैयार नहीं है। कई जिलों में अब तक संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं हुई है। वहीं पिछले दिनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसी बीच अब दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तीनों प्रभारियों को बुलाए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हो सकती है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान वासियों को सीएम अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 2 विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसमें एक जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी और दूसरा भरतपुर में होम्योपैथिक खोलने की मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिपर जॉय से फसल खराब, टमाटर हुआ महंगा। चक्रवाती तूफान बिपर जॉय के कारण टमाटर की उपज को तीनों राज्यों में खासा नुकसान हुआ। यही वजह है कि प्रदेश में टमाटर के दाम बढ़े हैं। इसका असर राजसमंद की सब्जी मंडी पर भी नजर आ रहा है। यहाँ टमाटर के रिटेल भाव 100 रुपए प्रति किलो के पार चले गए हैं। वहीं तेज बारिश से गुजरात, राजस्थान सहित महाराष्ट्र में टमाटर की फसल प्रभावित हुई है। वहीं आने वाले अगले महीने में टमाटर काफी महंगा हो सकता है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। राजस्थान में 3 दिन केंद्रीय नेताओं का दौरा होने वाला है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का राजस्थान पर पूरा फोकस है। यही वजह है कि लगातार राजस्थान में पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों व नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी क्रम में अगले 3 दिन प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे रहेंगे। इसमें 28 जून को जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, 29 जून को भरतपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा व 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। सफाई कर्मचारियों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। राज्य में सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सफाई श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य शासन विभाग के निदेशक हरदेश कुमार शर्मा को 5 सूत्रीय समझौते के वादों को पूरे करने की मांग की है। दोस्तों, ये थी दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब।